हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नई कहानी करेंगे जिसका नाम है द फुलिश बियर, मूर्ख भालू। इसमें हम एक भालू की कहानी पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी, सो लेट्स स्टार्ट। एक दिन की बात है, एक भालू को बहुत ही भूख लगी होती है और वो खाना ढूंढने के लिए अपनी गुफा से बाहर आता है ताकि वो अपने लिए कोई अच्छा सा फूड, अच्छा सा भोजन ढूंढ सके। और वो भालू जो है वो ढूंढते ढूंढते एक नदी के पास पहुंचता है ताकि वहां से वो मछलियों को पकड़कर खा सके। तभी क्या होता है, वो रिवर के पास खड़ा होता है और वो मछलियों को देखता है, तो तभी उसने एक छोटी मछली पकड़ी। बट उसने सोचा कि ये तो बहुत छोटी मछली है, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, सो मुझे एक बड़ी मछली पकड़नी चाहिए। सो उसने ये सोचकर उस मछली को छोड़ दिया और वो वेट करने लगा बड़ी मछली की। तभी उसने फिर देखा तो फिर छोटी मछलियाँ ही उसके पास आ रही थी, तो उसने अगेन उसके पास छोटी मछलियाँ ही आ रही थी, कोई भी बड़ी मछली अभी तक उसने नहीं देखी जिसको वो पकड़ सकता। तो ऐसा करते करते उसने बहुत सारी छोटी मछलियाँ पकड़ी, बट उसने ये सोचकर वो उन सारी मछलियों को छोड़ दिया कि उनसे उसका पेट नहीं भरेगा। सो उसने ऐसा इस तरह करके सारी मछलियों को छोड़ दिया। अब शाम हो रही थी, बियर ने कोई भी बड़ी मछली नहीं पकड़ी, वो वैसे का वैसे ही बैठा रहा। तो तभी क्या होता है, वो धीरे धीरे करके बहुत उसको थकावट हो जाती है और एट द एंड वो खाली पेट के साथ सोचता है मन ही मन में कि अगर मैं वो छोटी मछलियों को पकड़कर एक एक करके भी खाता तब भी मेरा पेट अच्छे से भर जाता। बट वो सोचता है कि अब मैं बहुत लेट हो गया हूँ, और वो वैसे ही सारा दिन, और उस दिन वो बियर सारा दिन भूखा ही रहा। उसको कोई भी फिश पसंद ही नहीं आई, तो इस वजह से वो खाली पेट ही रहा सारा दिन। सो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभार हमें लालच छोड़कर हमें जितना मिल रहा होता है उतने में ही सब्र करना चाहिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टोरी, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।